सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए डबल कलर बेबी स्वेटर लेके आई हूँ। ये मैंने सैंपल बनाया है। इस सैंपल में मैंने 40 फंदे 40 फंदे डाले हैं। ये बुनाई दो दो फंदों की बुनाई है ये, और ये तीन सिलाई में बुनाई निकालते हैं, और चौथी सिलाई सिंपल उल्टी बुन के 4 सिलाई में ये बुनाई पूरी होती है। तो आइए मैं आपको इस बुनाई को निकाल कर दिखाती हूँ। इस सैंपल में मैंने 20 फंदे डाले हैं, 20 फंदे ये मैंने डार्क कलर का ये इस पर दूसरा धागा पहले से लगा दिया है, वायलेट कलर लगाया है मैंने। पहला फंदा हम जो है सीधा बुनेंगे, दो फंदे सीधे से कस लेंगे, दो फंदे सीधे बुन के ये इसमें से यहाँ से बीच ये दोनों के बीच में से हमने ये दिख रहे हैं, ये दो फंदे दिख रहे हैं, ये दो लाइन है, ये एक धागा दूसरा धागा, ये इसमें से नहीं, इसमें से हमने इस तरह से फंदा लेना है, इस तरह से निकाल देना है फंदा। फिर हमने दो फंदे और बुन लेने, फिर हमने फिर से यहाँ से एक और ये दो नीचे से फंदा निकाल लेना है। फिर दो फंदे सिंपल बुन लेने, सीधे बुन लिए। फिर से हमने यहाँ से इस तरह से हमने ये फंदा निकाल लेना है। फिर दोबारा दो फंदे, पूरी सिलाई हम इसी तरह से पूरी करेंगे अपने, यहाँ से लेंगे दो फंदे बुन लेंगे, इसी तरह से हम यहाँ से अपने एक्स्ट्रा फंदा ये नीचे से फंदा उतार लिया। तो दो फंदे इसी तरह से हम पूरी सीधी सिलाई हमारी पूरी हो गई है। सीधी सिलाई से हमने ये डिजाइन निकालना शुरू किया था। अब हमारे आगे हम उल्टी सिलाई पे दूसरी सिलाई पे हमने क्या करना है, दो फंदे उल्टे बुनने हैं, जो पीछे सीधे बुने थे दो फंदे उल्टे बुन लिए, और जो ये उठाया हुआ फंदा था बीच में से इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। फिर दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर एक फंदा ये जो उठाया हुआ था उसको बिना बुने ले लेंगे। फिर दो फंदे उल्टे बुन लिए, फिर ये बिना बुने ले लिया, इस तरह से उल्टे ले लिए बिना बुने ले लिया, उल्टे ले लिए दो फंदे, फिर ये बिना बुने ले लिए, फिर उल्टे हो गए दो फंदे उल्टे बिना बुने ले लिया, दो फंदे उल्टे बिना बुने ले लिया, दो फंदे उल्टे। इसी तरह से हम ये पूरी सिलाई अपनी पूरी कर देंगे। उल्टी सिलाई हमारी पूरी हो गई है। अब आगे हम तीसरी सिलाई पे अपनी सीधी सिलाई पे तीसरी सिलाई पे हम जो है ये वाइट कलर लगाएंगे। दो लाइनें हम वाइट की करेंगे, दो लाइनें इस वायलेट कलर की जामनी कलर। अब हम पहला फंदा बुन लिया। अब ये जो दो फंदे हैं, ये उठाया हुआ फंदा और इस ये वाला फर्स्ट इसके आगे का, ये पहले वाले फंदे को हम इस तरफ ले आएंगे, पीछे ले आएंगे, इस तरह से करेंगे, इसको इस सिलाई पे पीछे ले आए, इसको इधर रहने दिया, इस तरह से हमने इसको बुन लिया। फिर ये दो बुन लिए बीच के, एक इसका बुन लिया, बुन के फिर इसको इस धागे को हम इस तरह से इसमें से पलटा देंगे, दोनों फंदों के इस तरह से बीच में से पलटा देंगे। फिर से हम इसी तरह से इन फंदों को इस तरह घुमाएंगे, आगे का पीछे करके इस तरह से, और हम बुन लेंगे फिर इसे इस
तरह बुन लिया। फिर इसको इस तरह से हमने पलटा दिया। फिर इसी तरह से आगे का पीछे करके हमने बुन लेना है दो फंदे। फिर इस तरह से घुमा के इस तरह से पलटा देना दोनों के ऊपर से। फिर हमने इसी तरह से हमने फिर ये दो फंदे बुनने और ये इस फंदे को इस तरह से पलटा देने। ये हमने पीछे का आगे लिया, आगे का पीछे लिया, इस तरह से पहले ये बुन दिया। दो फंदे बुन लिए। मैंने छोड़ दिया था इस तरह से लेके। इस तरह पलटा देना। लास्ट में हमारा ये बुन लिया इस फंदे को। ये हो गई हमारी सिलाई पूरी होगी। तीन सिलाई पूरी होगी। चौथी सिलाई हम सीधी सीधी बुन लेंगे, उल्टी उल्टी। इसको उल्टी उल्टी बुन के मैं निकाल के आपको फिर डिजाइन दिखाती हूँ। इस तरह से हमारा डिजाइन आया है। अब शुरू करेंगे। पहले दो फंदे बुन के करा था हमने, यहाँ से उठाया था एक फंदा बुन के, यहाँ इन दोनों फंदों के ये बीच में से उठाना है हमने फंदा। ये वाला धागा लेंगे हम। इस तरह से यहाँ बीच से उठाएं, इसके बीच से उठाएंगे यहाँ से इस तरह से निकाल दे। फिर दो फंदे बुनेंगे। फिर यहाँ से ये बीच से ये दो, एक और ये दो, दूसरा धागा जो दिख रहा है उसके नीचे से हमने इस तरह उठा लेना है। फिर दो फंदे फिर बुनने और फिर इसमें से उठाने, क्योंकि पहले यहाँ से उठाया था तो इस तरह से ये बनते जाएंगे इस तरह बीच बीच में से। अब यहाँ यहाँ से बनेंगे जहाँ खाली है। इस तरह से मैं आपको सिलाई पूरी करके दिखाती हूँ। ये लास्ट का ही हमारा ये फंदा, इस सिलाई का ही फंदा लास्ट में एक बचता है। सिलाई में पांचवी सिलाई हमारी दूसरी डिब्बी निकल रही है। पहली तो पूरी हो गई है ये लाइन, अब दूसरी है। अब उल्टी सिलाई में इसमें पहला फंदा हम बुन लेंगे। पहली सिलाई में हमने दो फंदे बुने थे उल्टी सिलाई में, दूसरी सिलाई में। अब इस सिलाई में छठी सिलाई में एक फंदा उल्टा बुना और दूसरा फंदा हमने उठा के लिया ये नीचे से, तो इसको बिना बुने ले लेंगे। फिर दो फंदे आप बुन लेंगे। दो फंदे बुन लिए, सॉरी। दो फंदे बुन लेंगे, दो फंदे बुन लिए हमने, ये फंदा बिना बुने ले लिया। अब जो है फिर दो फंदे फिर बुन लेंगे हम, फिर बिना बुने ले लिया जो उठाया हुआ था। फिर दो फंदे बुन लेंगे, फिर जो उठाया हुआ था फंदा बिना बुने ले लेंगे। इसी प्रकार पूरी करते जाएंगे। हमारी छठी सिलाई पूरी हो गई है। अब आगे हम सातवीं सिलाई पे अपने, अब इसमें हम वाइट धागा लगा देंगे, शुरू करेंगे। इसमें हम शुरू में इनको पलट देंगे, क्योंकि हमने दूसरे पहला फंदा बुन के दूसरे से उठाया था, तो ये जो है इस तरह से पलट देंगे हम यहाँ पर इस तरह से। ये इस फंदे को इसमें ले लेंगे उठाया हुआ फंदा और इसको बुन लेंगे। इसको बुन लिया, एक ये बुन लिया, इधर का बुन लिया, इसको कस देंगे और इसको इस तरह से पलटा देंगे। फिर इसी तरह से करेंगे हम आगे का फंदा पीछे करके
इस तरह गुन लिया, दो फंदे गुन लिए, और फिर इसको इस तरह से हमने इसके ऊपर से पलटा दिए। फिर से हमने इसी तरह घुमाना है, इसे इस तरह से घुमा के ले लिया। पूरी सिलाई हम ऐसी करेंगे, इस सिलाई को आपको करके दिखाती हूँ। इसी तरह करते जाना है, हमने इस तरह से घुमाना, आगे का फंदा पीछे लेके इस तरह से लिया। आइए ये लास्ट में करके दिखा देती हूँ आपको। इस तरह से लिया इसको, ये पलटाया आगे का पीछे करके, ये इस तरह बुना। और इनको जो है इसके ऊपर से इस तरह पलटा देना। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी उल्टी ले लेंगे, उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी उल्टी आ रही है। उल्टी सिलाई हमारी पूरी हो गई है, ये आठ फंदे, आठ सिलाई हमारी पूरी हो गई है। आठ सिलाई में हमारी ये दो दो डिजाइन पड़ गया, एक ये वाला, एक ये चार में ये पड़ा एक बार का, और चार पे दूसरे बार का। इस तरह से ये बनती जाएंगी डिब्बी। अब अगली बारी में हम यहाँ से उठाएंगे, दो फंदे लेके इधर से उठाएंगे। अब यहाँ से जो गैप दिख रही है, गैप के बीच में से ये गैप दिख रही है, इस तरह से उठाएंगे, ये फिर बनती जाएगी। बहुत अच्छा शानदार डिजाइन बनता है बच्चों का। तो आपको मेरा ये सैंपल पसंद आया हो तो मेरे इस डिज़ाइन को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।